भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कुमेठा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित जाति कुमेठा में शौचालय सफाई को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका में जमकर हंगामा एवं मारपीट हुआ। मामले में प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा ने बताया कि बाथ गांव की रहने वाली सहायक शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती ने शौचालय सफाई को लेकर गाली गलौज एवं कुर्सी फेंक कर मारपीट किया, जिससे बाल बाल बच गए। सहायक शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती ने बताया कि शौचालय सफाई नहीं करने को लेकर कुर्सी फेंक कर मारपीट प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश झा के द्वारा किया गया, जिससे बाएं हाथ में चोट लग गई। घटना के बाद स्कूल की छात्राओं के द्वारा अभिभावक को सूचना देने पर अभिभावक ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को सूचना दी। घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराते हुए शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती को घर भेज दिया। स्कूल की छात्रा ने बताया कि शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती स्कूल में मनमानी करती है, इसी को लेकर प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक में मारपीट हुई और कुर्सी फेंकी गई। पूरी घटना की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती को दी गई, जिसके बाद शिक्षिका रीता कुमारी चक्रवर्ती को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्त करते हुए घटना की जांच करने की बात कही जा रही है। उसके बाद हम बैठ के अपना ट्रेन बना करके फिर आगे का क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कितना की घंटी होता है, वार्निंग घंटी कितना घंटी लगा के उसको सब कराते हैं बच्चे को, उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम। आज क्या घटना घटी? आज की घटना मेन यही हुआ, शॉर्ट में उनको बता रहे हैं कि वो जब पहुंची रीता कुमारी चक्रवर्ती शिक्षिका जो है, तो वो जो है बोलती है कि अरे तुम काहे ने सहायक जो है शौचालय साफ करवाया है, तक हमको चार दिन आ गया आने से, कैसे हम रहेंगे यहाँ, कैसे हम घूमें बिताएंगे चार बजे तक। हम कहे कि मलिक को बोले हैं वो आएगा तो हम करवाएंगे, पैसा तो जो है अभी नहीं है सरकार से मिला प्राप्त हुआ है, लेकिन पॉकेट भी लगा के हम करेंगे, जैसे होगा ऐसे करा भी रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो कहा नहीं करवाओगे, बस वो जो सो कुर्सी उठा करके फेंक दिया, जैसे ही फेंका मेरे सिर पर लगा बस वैसे मैं भी फेंक दिया। उसके बाद बाहर निकला तो चप्पल फेंक दिया मैंने मेरे मुड़े पर लग गया, तब मामला बढ़ गया, हमरे पर आदमी है टेम्परेचर है, हमारा गर्जने लगे, हम सब बच्चा भी भाग बाहर भाग गया, हमारा मास्टर को मार रहा है, सब बच्चा ग्रामीण सब भी आ गया, पूरा सब जितने प्रतिनिधि हैं सब अगल बगल के सब सटे हुए घर हैं, अगल बगल सब जानते हैं इनके बारे में, सारा सा अवगत है सरकार के, ये नहीं कि कोई इनसे अवगत नहीं है, इससे सुने बाथरूम साफ सफाई के बारे में बोला गया। जी जी। बोलने के बाद जो है हेडमास्टर गाली गलौज पर उतर गया, हम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो साफ करवाएंगे, तुम जा करके साफ करवाओ, और उसके बाद जो है कुर्सी उठा करके मारने को आपको मारा। हाँ। उसके बाद आपने भी मारा? नहीं हम नहीं मारे, हम उठाए कुर्सी, हम भी उठाए, लेकिन वो हमको मारा है हाथ में चोट लगा। बाथरूम को चलते हैं, क्या कर रहे थे वो? क्या सर? क्या कर रहे थे वो? वही बोल रहे थे बाथरूम वाथरूम साफ नहीं करवाते हैं, आएंगे चार बजे तक कैसे रहेंगे। सर का क्या कहना था? सर का कहना था कि सर हो जाएगा साफ, हम भी बोले सर कि साफ हो जाएगा, उसके बाद दोनों में सर थोड़ा सा गर्मा गर्मा। यही बात है। मैं उस कहीं मनमानी तो नहीं कर रही है स्कूल में? क्या मनमानी कर रही है स्कूल में? ना नहीं मारपीट हुई है, मैडम ने सर को मारा था कुर्सी फेंक के, और हमको टी फेंक के सर को मारा, चप्पल खोल के पीठ पे मारा था मुक्का से। मारपीट गलती किसका है? मैडम। मैडम का क्या हुआ था बाबू दोनों में? बोलो बोलो। झगड़ा झगड़ा हुआ था, किस बात के लेकर? पीछे हुई थी, हम सबसे पीछे गए थे। क्या हुआ था? और ये मैडम हम मास्टर भी लग रहा था सर, पब्लिक को देख सकते हैं। मारपीट क्या है सर के साथ? किसके साथ किया है सर? एक साथ हो रहा था मारपीट की घटना सामने आ रही है। हम तो सर प्रार्थना करा रहे थे, अब दोनों को ऑफिस में क्या हुआ वो हम नहीं देखे। मारपीट हुई है? मारपीट होते हुए नहीं देखे। लेकिन मारपीट हुई है ना? होते हुए हम नहीं देखे, हल्ला हम सुने। हुआ है कि नहीं? हाँ हल्ला हुआ, हुआ है। क्या मारपीट हुआ है? बोले था प्रार्थना बाद में हम जाने के मारपीट हो गया, हल्ला हो रहा था यहाँ पर। किस बात की मारपीट हुआ कुछ जानकारी? हम नहीं जानते सर। जानकारी कुछ नहीं है जी, नहीं हम प्रार्थना करा रहे थे सब बच्चे। बिहार के गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दलों के नेता मोकामा जीत का जश्न मना रहे हैं और गोपालगंज में हार से मायूस नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोकामा तो अनंत सिंह का क्षेत्र है, वहां जीत सुनिश्चित थी। गोपालगंज में भी हमारी जीत तय थी, लेकिन भाजपा ने ओबीसी को खड़ा कर समीकरण बिगाड़ा। अगर ओबीसी और साधु यादव की पत्नी को मिले वोट को देखा जाए तो महागठबंधन का वोट है। भाजपा हमेशा से इस तरह का काम करते आई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। देखिए मोकामा को पहले से पता था इंडस्ट्रियल जीतेंगे,
गोपालगंज का भी था कि हम लोग जीतेंगे, महागठबंधन जीतेगी। लेकिन आप देखिए वोट का जो बिखराव हुआ, गोपालगंज का पहले बात कर लें, वहां पे क्या बिखराव हुआ, ओबीसी जो पार्टी ने खड़ा किया, और ओबीसी कौन खड़ा करता है, भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको जो वोट आया। फिर आप देखिए शाहू यादव जी अपनी पत्नी को खड़ा कर देते हैं तो वो कुछ वोट ले जाते हैं, तो करीब करीब 8,000 वोट हमको लगता है कि उनको शाहू यादव की पत्नी जी और ओबीसी को भी 10,000 के आसपास वोट आया था, 18,000 वोट, ये महागठबंधन का वोट था। जानबूझ के प्लान करके गोपालगंज को हम लोग को हराया गया। और जहाँ तक मोकामा की बात है, मोकामा में तो सब दिन अनंत सिंह जी जीतते रहे हैं और वो अभी जेल में उनकी पत्नी खड़ी हुई है, तो पहले से हम लोग को था कि हम लोग दोनों सीट जीतेंगे, लेकिन मोकामा सीट जो हम लोग जीते हैं, मैं वहाँ की जनता को बधाई देता हूँ कि आपने सही चुनाव किया, देश के हित में किया, बिहार के हित में किया और मोकामा के हित में किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है। गोपालगंज में भी ये दोनों दो अगर नहीं खड़े होते तो वहाँ भी हम लोग इतना ही 18,000 के आसपास से वोट से जीतते। इसलिए ये जान के बूझ के ओबीसी को खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए कुछ भी करेगी, आपको बता दें। क्या लगता है लोकसभा है आने वाले, फिर विधानसभा? लोकसभा में देखिए इस बार तो निश्चित तौर पर यूपीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और जिस तरह से महंगाई आकाश छू रहा है, चाहे वो गैस का दाम ले लो, डीजल पेट्रोल का कीमत ले लो, क्रूड ऑयल का कीमत घट रहा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, रेट बढ़ रहा है। आप महंगाई देख लीजिए, आप लोग तो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास चीजें खरीद नहीं पा रहे हैं, जीएसटी की मार अलग है। और आप देखिएगा कि एक उद्योगपति अगर आप देखिएगा 2014 में वो हिंदुस्तान में 18वें पायदान पे थे और आज 2022 में विश्व में दूसरे नंबर पर हैं, ये आदरणीय मोदी जी का कृपा से अडानी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब जनता को देखने का काम नहीं करती है, इसलिए जनता ने जवाब दिया है। और गोपालगंज भी हम जीतते, महागठबंधन जीतता, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ ओबीसी और जो शाहू यादव जी की पत्नी खड़ी हो गई वो फैक्टर काम किया, इसलिए उनकी जीत 2000 कुछ वोट से हुआ। वो जीत क्या है 2000 वोट से, जब दो दो पार्टी मेरे मेरे वोट को बांट रही है, इसका मतलब अगर उसको जोड़ दीजिएगा तो हम लोग वहाँ भी 20-22,000 से जीतते हैं। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखा जा रहा है। वहीं डेंगू के डंक के भय से जिले के विभिन्न हिस्सों में दहशत का माहौल कायम है। हालांकि जिला प्रशासन डेंगू को शिकस्त देने की तैयारी में लगी हुई है। नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। डेंगू ने जिस प्रकार से जिले में अपना पांव पसार लिया है, उसकी अपेक्षा जिला प्रशासन और नगर निगम की तैयारी फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में अस्पताल मायागंज में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि अस्पताल में रोजाना डेंगू से पीड़ित मरीज 8-10 की संख्या में भर्ती हो रहे हैं, जबकि स्वस्थ होकर 8-10 मरीज रोजाना घर भी जा रहे हैं। MCH वार्ड में मच्छरदानी और अन्य सुविधायुक्त 54 बेड को डेंगू पीड़ितों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वार्ड के चारों ओर जाली लगा दिया गया है जिससे कि मच्छर अंदर प्रवेश ना करे। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा के परिवार के सदस्य भी डेंगू से पीड़ित हैं। खुद सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि उनके परिवार में डेंगू का हमला हुआ है, कहीं जल जमाव नहीं था, बावजूद इसकी डेंगू से पीड़ित होना समझ से परे है। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आसपास साफ सफाई रखे, कहीं भी जल जमाव नहीं होने दे। सिविल सर्जन ने डेंगू से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास में नगर निगम से भरपूर सहयोग मिलने की बात कही। भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने भी डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा खासा इंतजाम होने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से शहर में सभी 51 वार्डों में बारी बारी से लार्वा सीडल केमिकल का स्प्रे के साथ ही मेलेथियोन केमिकल से फॉगिंग करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फॉगिंग नहीं हो रही है तो कोई व्यक्ति इसकी जानकारी उनके सरकारी नंबर पर फोन कर या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दे सकते हैं। शिकायत आते ही वो फॉगिंग करवाने के लिए टीम को भेजेंगे। 7 दिन का लाइफ साइज एवरेज होता है और जो प्लेटलेट कम होता है उसमें, एक तो इनिशियली जो है 2 दिन के बाद जो है या 3रे दिन जो है वो देखा जाता है कि प्लेटलेट का रिडक्शन होता है सडनली, लेकिन सेकेंड रिडक्शन भी होता है 5 से 6 दिन के बाद। और इसलिए अगर इनिशियली कोई पेशेंट आता है जिसके पास 20,000 अगर प्लेटलेट काउंट है और उसका अगर 6-7 दिन हो गया बीमारी का, मतलब है कि वो अब और नहीं घटने वाला है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 20,000 काउंट है, वो फीवर अभी 2 दिन का है, तो इसका मतलब उसको सख्त निगरानी में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों के बाद वो सेकेंडरी फॉल प्लेटलेट का हो जाएगा, तो वो सीरियस हो सकता है। तो इस प्रकार डेंगू के ये सारे लक्षण हैं, इसके कारण हैं।
ये प्लेटलेट्स की बात आ रही है सर, आखिर है क्या प्लेटलेट? जो है जैसे RBC WBC प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में एक एलिमेंट है, कंपोनेंट है। रक्त, लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ ऑक्सीजन कैरी करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ जो कि इन्फेक्शन के लिए लड़ने की क्षमता रखती हैं, और जो प्लेटलेट होती हैं वो कैपिलरीज को, जो पोर्स होते हैं उसको ब्लॉक करके ब्लीडिंग को रोकती है। तो ये नॉर्मली जो है ये प्लेटलेट्स के द्वारा ये पोर्स बंद रहते हैं, और जब प्लेटलेट्स की सडन बहुत ड्रेस्टिकली फॉल हो जाता है तो ये पोर्स खुल जाते हैं और उस कैपिलरी के थ्रू ब्लड जो है वो आउटपोरिंग हो जाता है और वहाँ पे फैलने लगता है। खाने पीने में क्या एहतियात रखनी चाहिए? डेंगू के मरीज को खाने पीने से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन चूँकि बताया हमने कि एक्यूट कैटाबॉलिज्म होता है और इम्यून डिफिशियंसी पैदा करता है जिससे मरीज बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए हाई प्रोटीन और विटामिन सी न्यूट्रिशियस डाइट खाने की ज़रूरत है। और बाकी अगर उनको ज़्यादा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा लीवर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो वो अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, सप्लीमेंट विटामिन लेंगे अपना। किस तरह की नियमित जांच करानी चाहिए डेंगू का? देखिए इनिशियली जो है, जो कॉमनली अवेलेबल है इमीडिएट, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट, किट टेस्ट, NS1, IgG और IgM। तो रैपिड एंटीजन NS1 जो है वो उसको भी पॉजिटिव होने में 2 से 3 लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं, और जनरली पेशेंट भी 2 दिन के बाद ही पहुंचता है। हालांकि अर्लीस्ट NS1 पॉजिटिव होने का है वो एलाइसा डेंगू NS1 पॉजिटिव होना, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसको हम लोग मानते हैं कि कन्फर्मेटरी, और NS1 जो रैपिड एंटीजन किट है उसको हम लोग मानते हैं सस्पेक्टेड। हालांकि ये NS1 जो रैपिड एंटीजन किट टेस्ट होता है वो भी मोर और लेस वो डेंगू ही है, और आंकड़ों के हिसाब से भले ना हो। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज विंडिंग रोड स्थित प्रकाश मोदी के घर में चल रहे अवैध रूप से डीजल गोदाम पर पुलिस और मार्केटिंग ऑफिसर के द्वारा रेड किया गया, जहां से लगभग 5000 लीटर डीजल के साथ साथ किरासन तेल भी जब्त किया गया। प्रकाश मोदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रिहायशी इलाके में चल रहे इस अवैध डीजल गोदाम के बारे में बबरगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसको लेकर थाना प्रभारी ने मार्केटिंग ऑफिसर के साथ यहां पर छापेमारी की, तो वो भी एक तरह से चौंक गए कि रिहायशी इलाके में भारी संख्या में आके डीजल का भंडारण कैसे किया गया। आसपास के लोगों ने आशंका जाहिर की कि अगर कहीं से डीजल में आग लग जाती तो इलाके का क्या होता, इसको लेकर लोगों में खौफ है। सूत्रों के अनुसार यहां पर पिछले कई सालों से डीजल और किरासन तेल का अवैध कारोबार हो रहा था। अधिकतर डीजल टावर कंपनी वालों से लिए जाते थे। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। कहां पकड़ा गया सर? यही तो जगह कहलाता हसनगंज, वार्ड नंबर 44 है। जयप्रकाश मोदी नाम बताया जा रहा है, और अभी देख रहे हैं कि इसमें डीजल है, कि इसमें किरासन तेल है, कि इसमें पेट्रोल है, तो सब मतलब कि पेट्रोलियम तेल ही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कितना संख्या होगा सर? संख्या तो लगभग अभी जो है कि अंदर है, तो अब उसको हिला करके तो पता चलने का। हाँ, लगभग जो है लगता है कि 10-11 ड्रम है, 1500 से 2000 लीटर के आसपास होगा दोनों मिला करके, कम नहीं होगा। तो ये जो है कि इतना का भंडारण तो बिना अनुज्ञप्ति का, बिना लाइसेंस का कोई नहीं रख सकता है, अवैध भंडारण किया गया है, इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। रिहायशी इलाका है सर, कभी हाँ ये कभी भी ये बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। ये मतलब कि बहुत ज्वलनशील, अति ज्वलनशील जो कहते हैं वो होता है, जरा सा अगर इसमें कुछ लग जाएगा, माचिस लगा देगा तो यहाँ पर का इलाका भभक उठता है। कुछ भी कुछ नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कोई मतलब कि व्यवस्था ही नहीं है, और लाइसेंस नहीं है अभी। लाइसेंस का तो बताया गया कि लाइसेंस नहीं है, ऐसे अवैध रूप से किया जा रहा है। हाँ, वही जयप्रकाश मोदी के बारे में जो बोले तो वो तो अभी पुलिस के हिरासत में है अभी। लगभग 2.5 साल पूर्व ननिहाल भागलपुर के अकबर नगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर में रहकर पढ़ाई करने वाले भागलपुर जिला के खरीक थाना क्षेत्र के काजी कोरैया निवासी ललन शाह के पुत्र पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
ढाई साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अपने बेटे के हत्यारों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाए जाने का गम लिए एक पिता लगातार इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर काट रहा है। मृतक के पिता ललन शाह ने बताया कि उसका पुत्र पंकज कुमार अपने ननिहाल अकबर नगर थाना अंतर्गत रसीदपुर में रहकर पढ़ाई करता था। उसने सिपाही भर्ती परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की थी। पंकज इस बात से काफी खुश था, उनके घर वाले भी काफी खुश थे, परंतु उन्हें क्या पता कि खुशी किसी को नासूर बनकर चुप रहा था। वो कोई और नहीं उसका मामा ही था। उसके मामा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने भांजे को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चार गोली उसके शरीर में डालकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक पंकज के पिता ललन शाह ने बताया उसके ससुराल से फोन गया और कहा गया कि बेटे पंकज की हत्या हो गई है। मृतक पंकज के पिता ललन शाह आनन फानन में अपने पुत्र पंकज कुमार के पास अकबर नगर रसीदपुर पहुंचे तो देखा कि उनका पुत्र मृत पड़ा हुआ है। वहीं मृतक के पिता ने आसपास से पता लगाया कि मेरे बेटे को किसने मारा तो गांव वालों ने साफ तौर पर कहा कि नारायण शाह का पुत्र बलदेव शाह, भगवान शाह का पुत्र सुजीत शाह, लड्डू शाह, कामरान शाह का पुत्र अधीन शाह और गणेश पासवान ने उसके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। एक पिता अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए बरसों थाने के चक्कर काटे, जब थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई तो SSP कार्यालय के चक्कर काटे और अब भी जब उसकी फरियाद नहीं सुनी गई तो अब वो DIG कार्यालय के चक्कर लगातार काट रहा है। उनका ये कहना है कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारा बेटा का 2 साल पहले मर्डर हो गया है, लेकिन आज दिन तक पुलिस कर्मी एक रत्ती नहीं सुनवाई करी रहा है, कोई देखा सुनी नहीं करी रहा है। क्यों मर्डर हुआ जी? मर्डर हो गया वो तो हमें जानकारी नहीं हो लिए। कौन मारा? मारा नहीं छे, अधीन साहब, सुजीत साहब। कौन है वो? मामे छे साहब। मामा ही मार दिया जी, कुछ कारण का पता नहीं चल पा जी। नहीं, यहाँ तक कि मना उनको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा दीजिए। नवगछिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया की महिला इकाई के द्वारा मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय में सुबह से तालाबंदी कर दी गई और सभी शिक्षक और कर्मचारी को परिसर से बाहर ही रोक दिया गया। स्थानीय महिला प्रशासन ने छात्रा से नोकझोंक होने के बाद प्रशासन एवं महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद दोपहर ताला खोला और पुनः नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ महासचिव आकांक्षा चौधरी ने कहा कि हम सबों ने सभी छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार आवेदन देकर महाविद्यालय हॉस्टल को चालू करने आग्रह किया था, परंतु नहीं हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साक्षी और सिंकू ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आवेदन देकर छात्रावास को चालू कराने का आग्रह किया, परंतु टाल मटोल होते रहा। अंत में हम सबों ने महाविद्यालय की तालाबंदी करने का निर्णय लिया। वहीं महाविद्यालय के द्वारा 1 सप्ताह में हॉस्टल चालू करने के आश्वासन के बाद तालाबंदी खत्म हुआ। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हॉस्टल जल्द से जल्द चालू हो। 6 साल हो गए है हॉस्टल, एक हॉस्टल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दूसरा हॉस्टल जो बना है ना तो वो चालू हो रहा है ना तो पूरी तरह से बंद हो रहा है। या तो उसको पूरी तरह से बंद कर दे या तो फिर चालू कर दे। जो छात्राएं दूर से आती है उन्हें कितनी तकलीफ होती है ये आप समझ ही सकते हैं। कॉलेज प्रशासन के द्वारा पहले क्या आश्वासन दिया गया था? कॉलेज प्रशासन के द्वारा एक बार नहीं, कई बार, कभी 10 दिन के लिए 10 दिन समय दो, कभी 6 दिनों के लिए, कभी 4 दिनों के लिए, ऐसा ही आश्वासन दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग अंतिम निर्णय पे आए हैं, या तो आज बता दिया जाए कि चालू होगा या नहीं चालू होगा। ये आप लोग का धरना कब तक चलने वाला है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, यूनिवर्सिटी से पदाधिकारी नहीं आ जाते, हमारी प्रिंसिपल मैम नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग धरना पे इसी तरह बैठ रहे। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के द्वारा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारी सहित CTSP, ASP, DSP ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान थाना स्तर पर हुए अपराधों की समीक्षा की गई। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सहित पेंडिंग कांडों को जल्द खत्म करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। थाना स्तर पर गश्ती मुस्तैदी से करने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिया। वहीं रात्रि गश्ती को और मजबूती से कराने को लेकर कई दिशा निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को दिया। के द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें शहर के और जिला के सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित थे, सभी SDPO, सभी सर्कल इंस्पेक्टर उपस्थित थे और विस्तृत क्राइम की समीक्षा की गई है और जितने भी शाखाएं होती है पुलिस कार्यालय में उन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंडेंसी है केस की और अनुसंधान से संबंधित उसको जल्द से जल्द पूरा करें।
भागलपुर में महीनों से अपनी नाबालिग बेटी से नहीं मिल पाने का गम लिए एक मां दर दर की ठोकर लगा रही है और पुलिस अधिकारियों से अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार लगा रही है। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के पीठना गांव का है, जहां की रहने वाली बीबी सामिया की 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री मार्च महीने से ही अपने घर से गायब है। सामिया की माँ ने तो उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ही उसकी बेटी को 21,000 रुपए से मार्च महीने में कहीं बेच दिया। मामला दर्ज कराने वो कई बार लोदीपुर थाना भी गई, लेकिन पुलिस कर्मियों के द्वारा उसकी बेटी को खोजने के एवज में रुपये की मांग की गई। गरीबी की मांग झेल रही रूबिया ने जब रुपये देने में असमर्थता जाहिर की तो उसे थाने से डांट डपट कर भगा दिया गया। अपनी बेटी की फोटो लेकर दर दर भटक रही लोगों से उसका पता पूछ रही साम्या ने बताया कि थाना से भगाए जाने के बाद वो एसपी कार्यालय भी पहुंची, लेकिन वहां भी इसे इंसाफ नहीं मिला। उसे एसपी कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा भगा दिया गया। थक हार कर बेटी की सकुशल बरामदगी के लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंची है और उम्मीद है यहां पर इंसाफ मिलेगा। नहीं यार, मैं उसका बाप बजीर जो है, तू तो कहीं बेटी को अपनी छिपा के रिश्तेदार कन रखा। हम तो पिछने तलुक ने खोजेंगे, हम जाते हैं तो खोजने ढूंढने में हम ही को मरने उड़ता। क्या आप यहाँ न आइए, वहाँ ही को जिए गर ये बार थोड़ा दूर पड़ता है भाई जान। थोड़ा बेटी का कितना उम्र होगा अभी? 14 साल। देखिए न उसमें लिखा 14 साल। पढ़ती थी? हाँ पढ़ती भी थी, और उसे कहे थोड़ा से कहे हिंदी भी पढ़ती थी, थोड़ा उर्दू भी पढ़ाया भाई जान। और उसके बाद में चचेरी मामानी ले जाके दिया दोनों, और वो सनिचर को रोशन भी गोल थी, और सनिचर इतवार के दिन में आई 11 बजे। रोशन लड़की है? हाँ, रोशन मेरी भौजाई हुई, और रुखसार मेरी लड़की हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 6 बार बिहार को अंग क्षेत्र भागलपुर की मंजूषा कला और मिथिलांचल की मधुबनी पेंटिंग को लेकर गोल्ड मेडल मिल चुका है। इस बार 14 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बिहार पवेलियन प्रगति मैदान नई दिल्ली के तोरण द्वार और पवेलियन के अंदर एवं बाहर की दीवार पर भागलपुर की मंजूषा कलाओं की दी जाएगी। बता दें मंजूषा कला की लोकप्रियता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं और भागलपुर के कई मंजूषा कलाकार वहां जाकर मंजूषा कला की लाइव प्रस्तुति देकर तोरण द्वार से लेकर साज सज्जा तक अपने अंग जनपद की लोक कला मंजूषा कला से करेंगे। पवेलियन की दीवारों पर लोक गाथा बिहला बिसरी पर आधारित कहानियों को लोक कला मंजूषा पेंटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। भागलपुर के मंजूषा कलाकार मनोज पंडित के नेतृत्व में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा यह तैयारी जोर शोर से चल रही है। मनोज पंडित ने बताया कि कई दिनों से भागलपुर के मंजूषा कलाकार भूखे प्यासे प्रत्येक दिन 12 से 14 घंटे मंजूषा पेंटिंग बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें पवन सागर, अमन सागर, सुमना, प्रीति, ज्योति, वर्षा, पूजा, आरती, सीता देवी, कविता देवी अपना विशेष योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन व उपेंद्र महारती शिल्प संस्थान का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। मंजूषा कला विलुप्त हो रही थी, उसे विश्व पटल पर लाने के लिए भागलपुर के मंजूषा कलाकार केंद्र व राज्य सरकार को धन्यवाद देते दिखे। स्थान मिला है, ज्यादा मात्रा में मंजूषा पेंटिंग लगाई जा रही है। तोरण द्वार भी, यानी कि बिहार पवेलियन का एंट्री गेट तोरण द्वार भी मंजूषा कला से बनाया जाएगा, और हमें विश्वास है कि हमारे कलाकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिसमें राज पुरस्कार से सम्मानित पवन कुमार सागर है, प्रीति कुमारी है, श्रीमती सुमना है, वर्षा कुमारी है, कविता देवी है, पूनम कुमारी है, ज्योति कुमारी है, और आरती कुमारी, और सीता देवी, पूजा और इत्यादि दर्जनों कलाकार से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये उत्साह के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी होगी, और सभी कलाकारों को और हमें भी विश्वास है कि इस बार भी बिहार को गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर लोक कला है तो हमारे बिहार में है, और हमारे लोक कला के कलाकार धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के माध्यम से मंजूषा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना एक अच्छा स्थान पाएगा और अच्छा व्यापार भी करेगा, एक अच्छा सिलसिला जारी होगा।